बरेली में चल रहे दो दिवसीय पार्षद प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्षद एक ऐसी कड़ी है जिनका जनता से सीधा संवाद होता है। 2024 के चुनाव में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, एक एक गली में जाकर संपर्क करना होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा कैसे करनी है इसके लिए प्रशिक्षित कर रही है। सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घोसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, वहां कमल प्रचंड बहुमत के साथ खेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास पर काम करती है। रिपीट, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विश्वास पर काम करती है और हम सब प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है और हम सब प्रदेश के चतुर्भुज विकास के लिए काम कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, वहाँ कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।